friends स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मैं आज बात करूंगी नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है नीट ट्वेंटी, ट्वेंटी का प्रोसीजर पूरा आपका कम्प्लीट हो चुका है अब आता है नीट ट्वेंटी तो काफी सारे स्टूडेंट्स है जिनके नीट ट्वेंटी के अंदर मार्क्स कम रह गए और काफी सारे न्यू स्टूडेंट्स ऐसे है जो ट्वेंटी के कि नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके एग्जाम से आपके रिजल्ट से आपके कट ऑफ से रिलेटेड पल-पल की अपडेट आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी अब हम बात करते हैं कि नीट 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं तो देखिए तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले जो आप एन टी के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर लॉग इन करेंगे आ, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देगी सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देगी वो सब इंस्ट्रक्शन आपको केयरफुली पढ़नी है क्योंकि उसके अंदर जो आपका सिग्नेचर साइज होगा आपका इमेज साइज होगा वो सब आपको उसके अंदर मेंशन होगा आपकी फी कितनी होगी सब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगी तो सबसे पहले आपको केयरफुली वो रीड करनी है उसके बाद वो सबमिट करने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन होकर आएगा तो देखिए इसके अंदर क्या क्या आपका मेंशन है क्या क्या आपको फिल करना है और क्या क्या आपको छोड़ना है तो देखिए तो देखिए यहां पर डायरेक्टली मेंशन है प्लीज एंड द नेम मदर नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एज पर इंस्ट्रक्शन ठीक है अब जो आपका नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो जो टेंथ की आपकी मार्कशीट है उस अकॉर्डिंग आपको फिल करना है आ, क्योंकि जो आपका वेरिफिकेशन होगा तो टेंथ की मार्कशीट के साथ ही आपकी वेरिफिकेशन माना जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट नेम आपको फिल करना है मदर नेम होगा या फादर नेम होगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और यहाँ पर्सन विद डिसबिलिटी यस और नो के अंदर आपको देना है है, और अगर डिसेबिलिटी है तो किस टाइप की है, आ, आपकी क्या है? आपका क्या है? क्या है? राशन कार्ड है आधार कार्ड है वोटर कार्ड है जो भी है आपका ठीक है और अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड इनरोमेंट नंबर ये सब आपको यहाँ पर फिल करने है उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट नंबर जो आपका आ, फोन जो वर्किंग में है ओनली वही आपको नंबर देने हैं ईमेल आईडी भी आप जो यूज करते हैं वही ईमेल आईडी देनी है क्योंकि जब फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा या कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आएगी वो डायरेक्टली आप जो भी यहाँ पर नंबर मेन्शन करेंगे उसी नंबर के ऊपर मैसेज आएगा और उसी ईमेल आई के ऊपर आपका ई आने वाला है ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ आगे दिया है एंटर सिक्योरिटी पिन जो नीचे कैप्चा दिया है आपको वही आपको सेम फिल करना है और फिर आगे चलेंगे सेम फिल करने के बाद आगे चलेंगे तो प्रीवियस न्यू यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे और जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका इस टाइप का पेज ओपन होकर आएगा ठीक है फिर आपको अपनी डिटेल्स है वो चेक करनी है कि सब डिटेल्स जो आपने फिल किया है वो सही है या नहीं है अगर सही नहीं है तो आप बैक करेंगे और उसको ठीक करेंगे अगर सही है तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप आगे चलेंगे जैसे आप आगे चलेंगे तो यहाँ आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद आपको रिटाइप करना है मैच ताकि आपका मैच हो जाए यहाँ आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ चार पांच क्वेश्चन होंगे जो उनमें से एक क्वेश्चन आपका सिलेक्ट करना है आपको और उसका आपको यहाँ पर आंसर करना है जैसे आपकी फेवरेट टीचर का नाम क्या है आपका जन्म कहा हुआ था आपका फेवरेट कौन है इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपके मिलेंगे ठीक है उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा जो भी ओटीपी आता है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे जैसे आप सबमिट करते हैं नेक्स्ट पेज आपका ओपन होकर आ जाएगा आपको यू आप एप्लीकेशन नंबर दिखाया जाएगा तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है ठीक है जब आप नोट कर लेंगे तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन में मिलेगा क्लिक हेयर टू लॉग इन तो जैसे आप क्लिक हेयर टू लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो इस टाइप की विंडो आपके पास ओपन होकर आएगी ठीक है तो लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन नंबर आपने नोट किया था वो यहाँ पर एंटर करना है पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है जो भी आपने पासवर्ड सिलेक्ट किया था उसके बाद आप लॉग इन करेंगे ठीक है अब क्या दिया है न्यू यूजर रजिस्टर है कोई नया यूजर है तो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो कॉन्टेक्ट नंबर डाले थे वहां पर आपका पासवर्ड आएगा ठीक है हाँ ओके अब हम आगे चलते हैं आगे आपका क्या होगा इस टाइप का जो आप फॉर्म फिल करेंगे जो आप उसको ओपन करेंगे तो इस टाइप के चार स्टेप्स आपके ओपन होकर आएंगे तो चार स्टेप्स में आपका क्या क्या होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन किया था तो करते टाइम कुछ डिटेल्स आपने फिल कर दी थी तो जो डिटेल्स आपने फिल की थी वो ऑलरेडी आपकी फिल होकर आएगी ठीक है अब यहाँ पर जो आपका मैंशन है जैसे जेंडर क्या है वो आपको फिल करना है कैटेगरी वो सब आपकी मोस्टली जो आपने फिल किया था वो आपका आ, एंटर होकर खुद से ही आएगा तो आपको खुद से चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है आ, कि कुछ मिस्टेक हो इसके अंदर यहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी का एडिशनल पूछा गया है तो ये आपको देखना है कि आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते फिर आपसे पूछा गया है भाई प्लेस बर्थ आपका क्या है इंडिया में है अब्रॉड में है किस स्टेट से हो किस डिस्ट्रिक्ट से हो आ, उसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा है चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर की जो आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए वो कौन सी लैंग्वेज में चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे काफी सारी लैंग्वेजेस पर अप टू लैंग्वेज तक आपका आएगा ठीक है तो यहां से आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिस भी लैंग्वेज में आपको पेपर चाहिए उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन सीटी है कि आप चार आपको ऑप्शन मिलेंगे चार चॉइस मिलेंगे की फर्स्ट चॉइस में आप कौन सा एग्जामिनेशन uh, सीटी आप फिल करना चाहते हैं कहा एग्जाम दिन आप पसंद करेंगे सेकंड चॉइस क्या है थर्ड क्या है फोर्थ क्या है ठीक है ऑलमोस्ट जो सबसे ज्यादा आप प्रेफरेंस होती है वो फर्स्ट चॉइस को ही दे दी जाती है बाय चांस अगर फर्स्ट चॉइस में कोई सिटी में कोई सेंटर आपका नहीं बचता है ब्लैंक सीट नहीं ही रहते रहती है तो सेकंड चॉइस आपकी दी जाती है ठीक है फ्रेंड्स तो इनको भी आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से आपको फिल करना है उसके बाद आपकी जो स्कूल एकेडमिक जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर पूछा जाएगा एकेडमिक डिटेल आपको फिल करनी है जैसे आपका जो आपने स्कूलिंग की है किस बोर्ड से की है स्कूल का नाम आपका क्या रहा है स्कूल का एड्रेस क्या है किस ईयर में आपने पास आउट किया आपके कितने परसेंट मार्क्स आए उसके बाद क्लास इलेवेंथ का आपको फिल करना है सेम उसके बाद क्लास ट्वेल्थ का आपको फिल करना है तो क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है उसके बाद आपको अगर ये सेव करना चाहते हैं तो सेव एस पर चलेंगे, आ, या फिर आप करेंगे तो आप अगले पेज पर चलेंगे है? जैसे आप कर देंगे, आपका क्या है तो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है जो आपके घर का होगा कोरस्पॉन्ट एड्रेस में आप वो फिल करेंगे जहां पर आप एट प्रेजेंट रह रहे हो. जैसे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि परमानेंट एड्रेस एड्रेस कहीं और का है लेकिन वो काफी लंबे टाइम से कहीं और रह रहे हो ठीक है या अगर वो सेम उसी जगह रह रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है टिक मार्क करेंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे आगे, आगे आपका क्या है डिटेल्स फॉर पेरेंट्स यहाँ पेरेंट्स की डिटेल मांगी गई है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपका ड्रेस कोड आप बताया जाएगा कि भाई ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा यस या नो और उसके बाद आपकी सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर कैप्चर दिया गया है वही सेम आपको फिल करना है और जैसे आप फिल कर देते हैं आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर ठीक है तो सबसे पहले आपका प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है इस टाइप से कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है तो आप यहां से देख सकते हैं अगर कोई मिस्टेक होती है तो बैक जाने के बाद आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं या फिर आप उसको जैसे आपको लगे कि नहीं पूरी इंफॉर्मेशन जो भी आपने फिल किया है वो बिल्कुल ठीक है तो आप उसको नेक्स्ट करेंगे ये फुल जो आपने फिल किया था वो आप ही की इंफॉर्मेशन है ठीक है ये गार्जियन से रिलेटेड था आपका यहा तक आपका हो गया था जैसे ही आपको लगा कि हाँ जो प्रीव्यू है वो बिल्कुल सही है कोई मिस्टेक नहीं है तो आप करेंगे यहाँ पर फाइनल सबमिट और अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो आप वापस बैक के ऊपर क्लिक करेंगे वापस जाएंगे उसको ठीक करेंगे फिर आपको प्रिव्यू दिखाया जाएगा और फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे अब आप आएंगे स्टेप टू पर स्टेप टू में आ, आपको क्या करना है आपकी जो अपलोडेड फोटो सॉरी जो आपकी स्कैंड फोटो है वो अपलोड करनी है और जो स्कैंड आपकी सिग्नेचर है वो आपको अपलोड uh, करने है तो उसी में अपलोड करना है जो आपका साइज दिया गया है इंस्ट्रक्शन में आपका मेंशन होगा कि आपको किस साइज में कितने केबी में आपको सिग्नेचर अपलोड करनी हो और कितने केबी में आपका फोटो अपलोड करना है जैसे आप उसको नेक्स्ट uh, करेंगे तो आपको इस टाइप से दिखाया जाएगा कि भाई ये आपकी फोटो अपलोड हो गई ये सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया और फाइनली जो पेज होगा वो इस टाइप का आपका दिखेगा पहले आपकी फोटो उसके नीचे आपका सिग्नेचर uh, ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद आप आगे चलेंगे नेक्स्ट Uh, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आप थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे अब थर्ड स्टेप में रहेगा आपका पेमेंट का कि जो आपको पेमेंट करनी है वो किस मोड में आपको करनी है आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर आप ई चालान से करना चाहते हैं या फिर आप यूपीआई से करना चाहते हैं इतने सारे आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप एक ऑप्शन को चूज करेंगे आ, वहां आपका ऑप्शन रहेगा भाई जो नेट बैंकिंग वगैरह आप कर रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर रहे हो आई एच डी एफ सी बैंक सिंडिकेट बैंक तो वहाँ ऑप्शन दिया होगा कि आप इस पर्टिकुलर बैंक से कर सकते हैं तो आप उसी पर्टिकुलर बैंक से आप पेमेंट कर पाएंगे जैसे आप आगे चलेंगे पेमेंट करने के बाद आपका जो पेमेंट का हेल्प डेस्क है जितने भी बैंक का इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके कांटेक्ट नंबर दिए हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं ठीक है आ, अगर आपको गेटवे के थ्रू करना है तो ये इस तरीके से आपका पेमेंट आपका डिटेल दिखाया दिखाय जाएगा और फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो देखिए हां uh, इस टाइप का आएगा आपका यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड आल्सो पेड द फी फॉर नीट यूजी 2019 आप प्लीज रिटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर योर रेफरेंस एंड फ्यूचर कोरेस्पोंडेंस तो आपको क्या करना है आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है फी uh, पेमेंट जो आपने की है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए सिक्स छह से आठ कॉपी आपकी आइडेंटिकल फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने अपलोड किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर और जो आपका सिस्टम जनरेटेड सेल्फ डेक्लेन आएगा वो आपका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए ठीक है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको आपको नोट करके रखना है फिर आता है आपका स्टेप फोर वो रहेगा आपका कन्फर्मेशन पेज है तो यहाँ पर आपका प्रिंट कन्फर्मेशन पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिक्लेरेशन आ जाएगी कन्फर्मेशन पेज आ

आपका 2019 का रेप्लिका तो उसी के अकॉर्डिंग 2020 का आपका फॉर्म का हो, होगा एप्लीकेशन फॉर्म तो फाइनल अभी आपकी कोई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है कि नीट का जो एग्जाम होगा वो कब होने वाला है तो अभी माना जा रहा है कि जून या जुलाई में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा लेकिन फाइनल कोई भी डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो फ्रेंड्स अगर फॉर्म भरने के रिगार्डिंग या किसी और भी चीज के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ओके थैंक यू फ्रेंड्स